सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम। लेक्चर्स बात करेंगे टूल्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया गया था, एनसीबीआई होम पेज को डिफाइन किया गया था। इसके अलावा ब्लास्ट के बारे में भी बात की गई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं टूल्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे इस लेक्चर को डेडिकेट करना चाहूंगी मेरी स्टूडेंट को, जन्नत नूर, डॉटर ऑफ नूर हुसैन। थैंक यू सो मच जन्नत नूर। हम बात करते हैं इन तमाम टूल्स के बारे में। देखिए, ये एक की बनाई गई है एक्चुअली, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्जाम नियर है। नॉर्मली होता ही है कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, इतने टूल्स, इतने सॉफ्टवेयर और इतने डेटाबेसेस मिक्स हो रहे होते हैं, बच्चों को ना समझने में मुश्किल हो रही होती है कि कौन सा टूल किस पर्पज के लिए यूज होता है। तो वो यहाँ पे शॉर्ट करके लिख दिया गया है, बता दिया गया है कि इस टूल का ये काम है, इससे हम ये इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं और ये इस पर्पज के लिए यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बॉस डॉट प्लॉट है। इसमें हम क्या करते हैं, दो सीक्वेंस होते हैं हमारे पास, या तो प्रोटीन के होंगे या न्यूक्लियोटाइड के होंगे, उनको अलाइन करने के लिए हम एम्बॉस डॉट प्लॉट यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ब्लास्ट है, हम बेस्ट होमोलोगस सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए ब्लास्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन लिखा है, इसका मतलब क्या है? देखिए, वो दो सीक्वेंस या तो न्यूक्लियोटाइड के होंगे या वो दो सीक्वेंस प्रोटीन के होंगे, उनको आपस में हमने अलाइन करना है, उसमें से बेस्ट होमोलोगस सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं है कि हम प्रोटीन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस को न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पेप्टाइड कटर। ये कटर नाम से ही शो रहा है, कट करने वाला, और आपको पता है कि एंजाइम में एबिलिटी होती है कट करने की, तो पेप्टाइड कटर को हम यूज करते हैं। ये प्रिडिक्ट करता है पोटेंशियल क्लीवेज साइट की बताता है। सपोज करें हमारे पास प्रोटीन है, और आपको पता है प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, और हमारे पास डिफरेंट एंजाइम है, और जो प्रोटीन को कट करने के लिए जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीजेस एंजाइम कहलाते हैं। अब कौन सा प्रोटीज एंजाइम इस प्रोटीन को किस साइट से कट करेगा, क्लीव करेगा, तो ये कौन डिटेल देगा? पेप्टाइड कटर देगा। प्रोटपेरम एक्सप्रेसी जो है, ये उस प्रोटीन की फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स के बारे में बात करेगा, बहुत ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देगा। स्कैन प्रोसाइट जो है, प्रोटीन के डोमेन, मोटिफ, फैमिलीज, फंक्शनल साइट और पैटर्न प्रोफाइल के बारे में बात करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देगा। साइप्रेट जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, अरेंज ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन मेथड के बारे में बताएगा। प्रोसावेब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। स्विस मॉडल एक्सपेसी क्या करता है, नाम से ही शो हो रहा है, नाम में मॉडल है, तो इसका मतलब ये उसके मॉडलिंग पे काम कर रहा होगा। ये ऑटोमेटेड वेब बेस्ड स्ट्रक्चर प्रोटीन स्ट्रक्चर होमोलॉजी मॉडलिंग एक्सपर्ट सिस्टम है। क्या करता है, हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प कर रहा है? सपोज कर ले आपको किसी प्रोटीन के अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के बारे में पता चल गया कि इसका ये सीक्वेंस है। अब आपने उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाना है, उसका स्ट्रक्चर का एक मॉडल पहले बनाएंगे ना आप, तो उस मॉडलिंग में, उसको बनाने में जो रोल प्ले करेगा, हेल्प करेगा आपकी, वो स्विस मॉडल एक्सपेसी करेगा। रामाचंद्रन प्लॉट जो है, ये 2D प्लॉट होता है, हमें रीजन अलाउड करता है, बताता है कि कौन से रीजन अलाउड हैं, कौन से अमाइनो एसिड किस रीजन में मौजूद हैं, और एंगल फाई और साइपे नॉर्मली ये काम कर रहा होता है। मैंने अब यहाँ पे करना क्या है, आपको इन तमाम टूल्स में से किसी एक को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाना है कि किस तरीके से हम इन्हें यूज करते हैं। तो सपोज करें मैं प्रॉट पैरम यहाँ पे बताती हूँ आपको कि कैसे हम इसको यूज करते हुए डिजायर इंफॉर्मेशन जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास जो इस वक्त ओपन हुआ है वो एनसीबीआई का होम पेज है। हम किसी भी प्रोटीन या अमाइनो एसिड, कोई भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, उसके सीक्वेंस को यूनिप्रॉट से भी पिकअप कर सकते हैं और या एनसीबीआई से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन है तो मैं यहाँ से करना बता देती हूँ। सपोज करें मेरे पास हीमोग्लोबिन, आपको पता है कि एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, और वो डिफरेंट सब यूनिट पे कंसिस्ट होता है, अल्फा बीटा, तो मैं अल्फा वाला निकाल लेती हूँ। मैंने यहाँ पे मेंशन किया P6 9905, ये अल्फा सब यूनिट के लिए है, और यहाँ सब डेटाबेस जो मैं सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि मैं इस पर प्रोटीन पे बात कर रही हूँ, तो मैंने प्रोटीन पे चेक लगाया और इस पर सर्च कर दिया है। जो पेज मेरे पास अब यहाँ पे ओपन हुआ है वो जेन पेप्टाइड पेज है, और ये सारी डिटेल इस प्रोटीन से रिलेटेड दे रहा है। एज यू कैन सी हियर, ये जो प्रोटीन है टोटल कितने अमाइनो एसिड, 142 अमाइनो एसिड पे कंसिस्ट है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसका फास्टा सीक्वेंस चाहिए, फास्टा फॉर्मेट चाहिए, तो मैंने फास्टा पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इसका फास्टा फॉर्मेट आ गया है, यानी ये जो इसमें अमाइनो एसिड के जो सीक्वेंस थे वो फास्टा फॉर्मेट में मुझे मिल गए, ये रहे। मैंने यहाँ से इसे कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया है। अब मैं चाहूंगी दूसरी टैब मैंने ओपन की, और यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोटपेरम टूल एक्सपेसी, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आपने इसी तरीके से सर्च करना है और इस पर क्लिक कर देना है। ये टूल ओपन हो चुका है, मैंने वहां से पहले ही कॉपी कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसको इनपुट करना है।
देखिए यहाँ पे भी मेंशन हो रहा है कि प्रॉट पैरम टूल जो है वो क्या करता है, हमें अलाउ करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, डिटेल प्रोवाइड करता है, जो भी गिवन प्रोटीन है उसके केमिकल और फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वो नंबर भी लिख सकती थी, एक्सेशन नंबर जो मैंने वहां पे पुट किया था, लेकिन डिटेल में समझाने के लिए मैंने कॉपी कर लिया था फास्टा फॉर्मेट। तो अब यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया है, एंड देन पेस्ट करने के बाद मैं क्लिक करूंगी कंप्यूट पैरामीटर्स पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब आपके सामने यहाँ पे इसके रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। ये जो प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन अल्फा सब यूनिट जो है इसका टोटल, ये प्रोटीन कितना अमाइनो एसिड पे कंसिस्ट है, ये 142 अमाइनो एसिड से मिलकर ये अल्फा सब यूनिट बना है हीमोग्लोबिन का ना। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, यहाँ पे मेंशन है 15257.55, और ये इसकी थ्योरेटिकल पीआई वैल्यू क्या है, 8.72। अब ये हमें पता चल गया है कि भाई 142 अमाइनो एसिड इस प्रोटीन में मौजूद है ना, इस सब यूनिट में मौजूद है। उन 142 अमाइनो एसिड में कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं, तो अब ये यहाँ पे इनलिस्टेड है, एलानिन, आर्जिनिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो की है वो एलानिन ने की है, 21 अमाइनो एसिड इन 142 में, 21 जो है वो एलानिन में है। और यहाँ पे उसको परसेंटेज में भी डिफाइन किया, दैट इज 14.8%। तो इस तरीके से हमारे तमाम अमाइनो एसिड की कॉम्पोजिशन डिटेल हमें मिल जाएगी कि कितने और कौन कौन से कितनी दफा रिपीट हुए वो अमाइनो एसिड यहाँ मौजूद है इस प्रोटीन में। फिर हमने यहाँ जो रिजल्ट हम देख रहे हैं कि इस प्रोटीन में नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड कितने हैं, 12 है, और पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड कितने हैं, वो 14 है। अब एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, इसकी जो एटॉमिक कॉम्पोजिशन है, इन तमाम 142 अमाइनो एसिड्स में टोटल कार्बन कितने हैं, 690 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1080 है। इसी तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर की कॉम्पोजिशन मेंशन है। तो इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ये फॉर्मूला यहाँ पे सेट कर दिया गया है। ठीक है, अब इन सबको समअप कर लिया तो टोटल नंबर ऑफ एटम हमें मिल जाएंगे। फिर हमारे पास है एक्सटेंशन कोफिशिएंट, ये यूनिट्स भी बताएं कौन कौन से हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको 280 नैनोमीटर बताया है कि मेजर्ड इन वाटर, ये इसकी वेवलेंथ के बारे में बताया गया है। एक्सटेंशन कोफिशिएंट वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, एब्जॉर्बेंस इसकी बता दी गई है, ये सिस्टीन को इंक्लूड करके बता दी गई है, और ये यहाँ से सिस्टीन को एक्सक्लूड करके बता दी गई है। फिर उसके बाद इसकी एस्टिमेटेड हाफ लाइफ है, आपको पता है प्रोटीन ट्रांसलेशन सबने डिस्कस किया होगा, स्टडी किया होगा, तो उसमें जो कोई किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के बनने से पहले हमेशा सबसे पहले जो अमाइनो एसिड अटैच किया जाता है वो मिथियोनीन होता है। तो यहाँ पे बता दिया कि एंड टर्मिनल जो है वो मिथियोनीन कंसिडर किया गया। और फिर उसके बाद ये एस्टिमेटेड हाफ लाइफ इसकी इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, तो कितने इसकी लाइफ है, कितने आवर्स तक, 30 आवर्स, और यहाँ पे ग्रेटर देन 20 आवर्स किस में, ईस्ट में, इन वीवो मीन्स इन साइड द ईस्ट, और विट्रो मीन्स आउटसाइड होता है एज यू नो। यहाँ पे 10 आर ग्रेटर देन 10 आर इकोलाई में, इन वीवो कंडीशन में। इन स्टेबिलिटी इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी जो कंप्यूटेड वैल्यू आई है आई आई वो है 6.97। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये इसी का मतलब इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि भाई ये प्रोटीन स्टेबल है, अगर ये 60, 70, 80, 40+ होती तो फिर ये प्रोटीन अनस्टेबल होती, तो अब ये उससे कम है वैल्यू, आप यहाँ देख रहे हैं कि कम आई है, तो ये स्टेबल प्रोटीन है। फिर ये इसका एलिफेटिक इंडेक्स है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास है ग्रैंड एवरेज ऑफ हाइड्रोपैथिसिटी, शॉर्ट फॉर्म में इसको ग्रेवी कहते थे, दैट इज 0.048। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।